लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम आप तक पहुंचा रही है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर वो तस्वीर जो आज पूरी दुनिया देख रही है। सिर्फ देश की नजरें नहीं टिकी हुई, पूरी दुनिया, पूरे संसार की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि काशी अपने साथ न सिर्फ देश को लेकर चलती है बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने साथ में लेकर चलती है। पीछे की तस्वीरों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में काशी की जमीन पर वो होंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें यहां पर जरूर देखें क्योंकि ये वही रूट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और फिर पूरी तैयारियों के साथ बाबा काल भैरव के जब दर्शन उनके जरिए किए जाएंगे तो 80 घाट से होते हुए यहीं से एक काफिला उनका गुजरेगा। जो इक्का दुक्का आपको बोट यहां पर नजर आ रही है वो सुरक्षा के मद्देनजर अब हटाई जा रही है ताकि पूरा जो माँ गंगा की गोद है वो पूरी तरह से खाली यहां पर हो जाए ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़े, आप देखिए किस तरह से यहां पर ये तस्वीर उस वक्त नजर आएगी, ये भव्यता यहां पर नजर आएगी। तो पीएम मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बेहद खास पल यहां पर होने वाला है। 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्यता के साथ, विशालता के साथ बनाया गया है, जिसमें मंदिर परिसर है, जिसमें सिक्योरिटी हॉल है, जिसमें मुमुक्षु भवन है, यात्री विश्राम गृह मौजूद है, वो मंदिरें मिली हैं जो कि काफी पुराने वक्त में यही सभ्यता में समाहित हो गई थी, लेकिन एक परंपरा उनके साथ यहां पर निकल आई है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में काशी विश्वनाथ का ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और इसकी भव्यता का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कई छोटी बड़ी बेहद खास इमारतें इसमें मौजूद है, बेहद बारीकी से नक्काशी से उकेरा गया है, कई पत्थरों से इसे तराशा गया है कि जो कि बाकी देश विदेश से मंगाई गई है। 27 मंदिर यहाँ पर है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए जो घाट है, चाक चौराहे हैं, वो तैयार किए गए हैं। घाटों की सफाई पूरी तरह से हो चुकी है। हालांकि अभी भी भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं, बैरागी, सन्यासी, साधु संत आपको हर गली में यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लाउड स्पीकर के जरिए वक्त वक्त पर अनाउंसमेंट भी यहाँ पर की जा रही है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी चूक यहाँ पर ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा ग्रीन धार्मिक प्रोजेक्ट है जिसके लिए तैयारियां देखिए अपने आखिरी स्तर तक पहुंच चुकी है। 18 राज्यों के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे, डिप्टी सीएम आएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के पुजारी यहां पर मौजूद होंगे, 51 सिद्धपीठों के पुजारी यहां पर मौजूद होंगे। सोचिए कितनी भव्य तस्वीर यहां से सामने आई। इस वक्त हम मौजूद हैं दशेश्वर घाट पर और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरीके से गंगा आरती की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग इलाकों से आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस घाट को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, साथ में यहाँ पर देखिए किस तरीके से झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा के भी यहाँ इंतजाम है। फूलों से इस घाट को इसलिए सजाया जा रहा है क्योंकि यहां पर ही गंगा आरती होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो क्रूज के जरिए यहां पर पहुंचेंगे और इन तमाम घाटों पे जो दशेश्वर घाट के अलावा जो 80 घाट और जो तमाम दूसरे घाटों पर गंगा आरती होगी उन गंगा आरती को प्रधानमंत्री समेत सभी मुख्यमंत्री जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो यहां पहुंच रहे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। तो वहीं जो बात की जाती है काशी की गंगा जमुना तहजीब की तो यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर सभी समुदाय के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सभी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पंडित और पंडा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं काशी के सभी समुदाय के लोग यहाँ पर बेहद खुश हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह सुबह ये लोग घाट पर पहुंच गए। सुबह सुबह आप घाट पर पहुंच गए जी, मोदी के स्वागत के लिए आए हम लोग हैं। अभी मोदी का स्वागत जी जी जी, बेसब्री से स्वागत है, बेसब्री से स्वागत है, आप बताइए। जी 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 जी, बहुत 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 सुबह से ही हम लोग उसी लिए आए हैं और उनसे मिलने की यही समझ लीजिए हम लोग सुबह। कि मंदिर बाबा विश्वनाथ धाम का पूरा ये व्यवस्था और यहाँ से मंदिर से अगर हम देखें तो गंगा जी तक हम सीधे पहुँच जाएं तो इस विजन की आज निश्चय ही जो है भली भांति जो है पूर्ति होने जा रही है। पूरे काशी में हर व्यक्ति ने इस काम में सहयोग दिया है। आज ये बहुत खुशी का दिन है और प्रधानमंत्री जी गंगा जी के सहारे ही आ रहे हैं, ये हमारे लिए और खुशी का वक्त है। तो
तो काशी अब गूंज रही है ओम नमः शिवाय की धुन से। आप मेरे पीछे की ये धुन यहाँ पर सुन सकते हैं, जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसकी अनुभूति की जा सकती है। मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ इसी वक्त मौजूद हैं, अमित मौजूद हैं जो काशी की धरती पर ही हैं, हमारे साथ अरुण मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं जो कल से हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, काशी की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अमित, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या तस्वीर आज आप काशी की दिखाना चाहेंगे? कल तो टोलियों के साथ आपने खूब संगीत की वो धुन सुनाई, जिसके चलते हमने देखा कि गंगा का ये सफर कितना खूबसूरत हो गया। आज की तस्वीर जी हाँ, बिल्कुल सबीना, मासूम अली इस वक्त हमारे साथ है। मासूम अली पिछले 18 सालों से संगीत का प्रेम जो है काशी के घाटों पर बिखरते रहे हैं। सीधे हम बिना वक्त जाया किए हुए सीधे हम बात करेंगे मासूम अली से। मासूम अली, दर्शकों को आज क्या सुनाएंगे आप? अमित भैया, ये जो आज का माहौल है, ये आज यहाँ पर एक त्योहार हो रहा है बनारस में, और पूरी गलियां सजी हुई हैं, सब लोग मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आने से। सुनाइए सुनाइए क्या, और मैं गाना सुना रहा हूँ, एक गाना बहुत फेमस गाना है, कैमरा मूव होना चाहिए। अरे खेल मसाने में होली, अरे खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी होरी, खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी, गोपना गोपी श्याम ना राधा, गोपना गोपी श्याम ना राधा, ना सांवर ना गोरी, हो चीता भस्म की रोरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी होरी। तो जो ये है काशी के घाट, और काशी के जितने भी घाट है सभी ना, ये दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से संघवादक यहाँ पर संघ बजाते हुए, और ये तस्वीर है काशी का, यही कल्चर है, यही संस्कृति है। अब गंगा जमुना तहजीब की जो बातें होती है वो काशी में दिखती है, और इसी तरीके से काशी को के कल्चर को आगे बढ़ाते हुए इसको डेवलप करने की बात 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और ठीक वही आज काशीवासी देश के लोग वही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट विकास हर तरफ काशी में दिख रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से तैयारी यहां पर शुरू हो गई है अब यहां पर घाटों पर गंगा आरती की, तो आप देख सकते हैं पूरे घाट को फूलों से सजा दिया गया है। मासूम अली हमारे साथ हैं, और मासूम अली इसके बाद वो अपनी पूरे बैंड के साथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो तमाम जो काशी बनारस की गलियों पर जो इन्होंने गीत लिखा हुआ है उस गीत से हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, और 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच जाएंगे, बनारस पहुंच जाएंगे। जी सबीना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वाराणसी की तरफ बस अब आने ही वाले हैं, और 11 बजे तक का ये वक्त यहाँ पर हमें बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती पर कदम रखेंगे, और इंतजार किया जा रहा है जब वो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, क्योंकि एक भव्य और दिव्य मौका है, उनका सबसे बड़ा धार्मिक ड्रीम प्रोजेक्ट है आखिरकार तब्दील होने जा रहा है हकीकत की शक्ल में। तो 13 दिसंबर वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री विश्वनाथ काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, और उनका ये ट्वीट देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये ट्वीट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है, वो भी जानते हैं कि आज का ये पल सभी देशवासियों के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, रीति रिवाजों के लिए, धार्मिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर कितना ज्यादा अहम है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ये ट्वीट एक बार नहीं कई बार यहां पर किया गया है। आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। काशी विश्वनाथ के मुख्य पुजारी पंडित श्रीकांत ने भी पूजा की पूरी तैयारी कर ली है इस धार्मिक भव्य आयोजन को लेकर, खास बातचीत की उनसे, देखिए आप भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, हालांकि इससे पहले काल भैरव के दरबार में वो माथा टेकते हुए नजर आएंगे, कुछ और कार्यक्रम भी यहां पर उनके हैं। एक भव्य तस्वीर, एक दिव्य तस्वीर नजर आएगी, और उस पल का इंतजार यहां पर किया जा रहा है जब उद्घाटन लोकार्पण उनके जरिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ के मुख्य पुजारी श्रीकांत जी हमारे साथ हैं।
श्रीकांत जी, आज तो आप ललाट पर चंदन लगा करके अलग ही चमक रहे हैं। आज पूरी काशी चमक रही है। आज गंधर्व गान करेंगे, नारद वीणा बजाएंगे, देव कन्याएं नृत्य करेंगी, पूरी काशी बम बम बोल रही है। आप देख सकते हैं संत महात्मा धर्माचार्यों का ऐसा आगमन हो रहा है जैसे सभी देवता आज काशी में भगवान श्री काशी विश्वनाथ के श्री चरणों को पाने के लिए लालायित हों। तो कुछ ऐसा ही वातावरण है और आज हम सब बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आज हम उस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं जो हजारों साल के बाद काशी फिर से इतिहास रचने को तैयार है। जी बाबा, मैंने ये देखा आप ये पूजा सामग्री है, क्या है इसमें? इसके अंदर बहुत सी पूजन सामग्री है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे पूजन, और वो वही सब सामान इसमें माला है, भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र हैं और अन्य सामग्री भी इसके अंदर है, फल फूल है, सब जो चढ़ेगा वही सब सामान इसके अंदर है। तो अब तो बस कुछ ही क्षण बचा हुआ है। बिल्कुल, हम लोग जा रहे हैं अंदर पूजा की तैयारी करने। अब कितना समय लगेगा अंदर? नहीं, अंदर तो 15 मिनट जो है गर्भगृह के अंदर बैठ करके सविधि षोडशोपचार पूजन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसके बाद इसका लोकार्पण करेंगे। और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, हम पीछे की तस्वीरों के साथ यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं घाटों से होते हुए हजारों मंदिरों के दर्शन करते हुए ललिता घाट पर पहुंचेंगे और फिर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से यहाँ पर उनकी एंट्री होगी, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। अमित, आपने यहाँ पर संगीत टोली से बातचीत की है, साधु संतों से यहाँ पर बातचीत की है, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका बरसों बरसों उनकी भी पीढ़ियों ने इंतजार किया है। जी बिल्कुल, वह घड़ी वह आ गई है, महज कुछ घंटे ही बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे काशी कॉरिडोर, और वो भी गंगा नदी के रास्ते पहुंचेंगे। एक तस्वीर मैं आपको गंगा नदी की दिखा दूंगा। गंगा नदी और काशी को लेकर मासूम अली जी, क्या बनाया है आपने? गंगा नदी तो अपने में कुछ ना कुछ परिपूर्ण है, वो उनके लिए बनाने कौन से वाले हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ओ जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, हो जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, भूतवा दूर में से भागेला, भूतवा दूर में से भागेला।